हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोही कुकिंग चैनल एंड लाइफस्टाइल। और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। इसके लिए हमने फ्रेश लौकी ली है और अभी हम इसके छिलके निकाल लेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी हम लौकी के बीच में से 3 टुकड़े कर लेंगे और हम अभी लौकी का कीस निकाल लेंगे। लौकी के इस तरीके से टुकड़े किए तो कीस निकालने में थोड़ी आसानी होती है। हमने पूरे लौकी का कीस निकाल लिया है और इस तरीके से ये जो बीज वाला पार्ट होता है इसे अलग कर दिया है। अभी हम इसका जो भी एक्सेस वाटर होगा वो निकाल लेंगे। अभी हमने इसका पूरा एक्सेस वाटर निकाल लिया है और अभी हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन ली है। इसे क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसमें हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे और अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसका स्मूथ डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी ये सब्जी घर पर ज़रूर बना के देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिए। अभी हमने इसका स्मूथ डो बना लिया है। अभी हम इसके छोटे छोटे बॉल्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इस तरीके से इसके बॉल बना लेने हैं। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी हमने इन्हें एक डिश में निकाल लिया है और हमने सब्जी बनाने के लिए एक प्याज की पेस्ट बना ली है, 1 टोमेटो की पेस्ट बना ली है और 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अभी हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें हमने जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें डाल दी है और अभी ये प्याज की पेस्ट डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज की पेस्ट हमारी भून चुकी है। अभी हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है और इसे हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मसाला हमारा अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें टोमेटो की पेस्ट डाल देंगे और इसे पकने देंगे।
अभी हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी से भी टेस्ट अच्छा आता है सब्जी में। अभी मसाला हमारा ऑयल छोड़ चुका है। हम इसमें 2 ग्लास पानी मिला लेंगे। पानी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और जिस पतीले में हमने लौकी के कोफ्ते का डो बनाया था उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसमें मिला लेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बन जाए। अभी हमारे ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, तो अभी हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे से उबलने देंगे। इसे सॉफ्ट होने देंगे ताकि हमारे कोफ्ते अंदर से कच्चे ना रहे। अभी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। अभी हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारी सब्जी बन के रेडी है। फ्रेंड्स, ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।